भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ। जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल भारत का भविष्य में। दोस्तों BRM GSS की तरफ से दोस्तों गुड न्यूज आ रही है। दोस्तों मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों आप लोग का ज्वाइनिंग होने वाली है। दोस्तों आप लोग धैर्य बना के रखें और दोस्तों अपने दिमाग में गलत शब्द का यूज ना करें और दोस्तों आप लोग हमेशा पॉजिटिव बनाए रखें, क्योंकि दोस्तों आप लोग अब ज्वाइनिंग होने के कगार पर आ चुके हैं। दोस्तों ज्वाइनिंग 1 महीने 2 महीने 3 महीने में होगी, लेकिन दोस्तों जरूर होगी। तो चलिए दोस्तों हम ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं और जो कुछ भी अपडेट आया है उसको हम पढ़ के सुनाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, जो कि दोस्तों हम आपको आइए नीचे स्क्रॉल करके हम लाते हैं कि जो कुछ भी अपडेट है वो क्या अपडेट है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा है भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ। दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी दोस्तों यह पक्का हो गया कि यह ऑफिशियल वेबसाइट ही है। दोस्तों चलिए दोस्तों हम नीचे स्क्रॉल करके हम आपको दिखाते हैं कि क्या अपडेट नया आया है और दोस्तों क्या नहीं आया है। दोस्तों नया अपडेट यही है, आइए इसको हम पढ़ते हैं। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के प्रत्येक जोनल एवं डिविजनल स्तर के पदाधिकारियों को यह सूचित किया जाता है कि भारत सरकार के आदेशानुसार कृपया अपने अपने जोन एवं डिविजनल स्तर में रेलवे माल गोदाम पर काम करने वाले अंतर राज्य श्रमिकों का एक सूची भारत सरकार से दिए गए फॉर्मेट के अनुसार अपने अपने क्षेत्र के DYCLC/RLC को जमा करें, ताकि रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले अंतर राज्य श्रमिकों को सरकार की तरफ से घोषणा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। सरकारी निर्देश एवं सूची तैयार करने की फॉर्मेट इस सूचना के नीचे आपको दिए गए हैं। यानी दोस्तों आप भी जाके ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, आप यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यह दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है और दोस्तों यही आज का अपडेट है। दोस्तों यह अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है, यह अपडेट है उन पदाधिकारियों के लिए जिनको सूचित किया गया है, जो रेलवे में पदाधिकारी के पद पर अभी मौजूद है उन लोगों के लिए दोस्तों यह अपडेट है। दोस्तों यह अपडेट निकलने से यह तात्पर्य होता है कि यह भारतीय रेलवे माल गोदाम दोस्तों श्रमिकों के लिए काम कर रही है, यानी दोस्तों ज्वाइनिंग अब होगी, जरूर होगी। दोस्तों मई में होगी या जून में होगी या दोस्तों जुलाई में होगी, लेकिन दोस्तों ज्वाइनिंग जरूर होगी। दोस्तों यह अपडेट कैसा लगा दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।